अंडरग्राउंड गोल्ड मनी ट्रेजर। संगरेडी पल्ली में दो दोस्त सई और श्रीधर रहते थे। चूंकि दोनों को बचपन में अच्छी शिक्षा नहीं मिली थी, इसलिए वो पशुपालन कर रहे थे। अगले दिन सुबह सई और श्रीधर मवेशियों को जंगल में ले गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन किया। अरे श्रीधर, हमारा जीवन ऐसा क्यों है यार? तब श्रीधर ने कहा, तू ऐसा क्यों कह रहा है? नहीं तो ये क्या है यार, हम कौन हैं और पशुपालन क्यों कर रहे हैं? ओह, जैसे कि तू एपीजे अब्दुल कलाम है और तू रॉकेट पर रिसर्च कर रहा है। तू ऐसे बात क्यों कर रहा है यार? तुमने बचपन से पढ़ाई नहीं की और मुझे भी ऐसा बना दिया। हम पढ़ाई ना करके इधर उधर घूमते रहते थे, इसके बजाय तुम इस बात पर कमेंट कर रहे हो कि हमारा जीवन ऐसा क्यों हो गया, पागल कहीं के? मैं तो बस पढ़ाई नहीं करना चाहता था, लेकिन जैसे तुम तो बस निर्दोष हो। हाँ, मैं निर्दोष हूँ, इसलिए तुमने मेरा जीवन खराब कर दिया है। क्या? तुम जरा फ्लैशबैक में जाना। हम स्कूल से इसलिए भागे थे क्योंकि तुम परीक्षा में फेल हो गए थे और सोच रहे थे कि तुम्हें टीचर मारेंगे। न केवल तुम दौड़े बल्कि मुझे भी अपने साथ ले गए। अब तुम ही बताओ कि किसने किसकी जिंदगी बर्बाद की। ठीक है, जाने दो, छोड़ो इस बात को। ऐसे ही साई और श्रीधर पशुपालन करते हैं और सुखी से रहते थे। कुछ दिनों के बाद रोज की तरह साई और श्रीधर मवेशियों को उनके भोजन के लिए जंगल में ले गए। साई, घर का सामान लाना कठिन होता जा रहा है। हाँ भाई, मेरे साथ भी यही स्थिति है। किसी से उधार मांगना हो तो ब्याज आसमान पर होता है। ठीक है, पिछले ऋण के लिए मैंने भारी ब्याज चुकाया है, अभी भी वो चल ही रहा है। ये अच्छा होगा अगर हमें कोई खजाना मिल जाए जहां हम उस पैसे को इन मवेशियों के साथ बेच दें और एक नया बिजनेस शुरू कर सके। उसके बाद हम खुशी से रहेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो, इस तपती धूप में ये पशुपालन अब नहीं हो पा रहा। एक दिन हमारा भी आएगा, चिंता मत करो। इस तरह बातें करते हुए वो एक पत्थर पर जाकर बैठ गए। श्रीधर ने कुछ ऐसा देखा जो थोड़ा चमकदार था। फिर, ए साई, मुझे कुछ दिख रहा है जो चमक रहा है, आओ चलकर देखें। ऐसा कहकर वो देखने गए तो उन्हें एक सोने की जंजीर दिखाई दी। साई उसे देख, हाँ श्रीधर, जैसा तुमने कहा वो चमक रहा है। ये जंजीर है लेकिन आधा ही बाहर दिखाई देता है, ये आधा जमीन के अंदर है। अंदर क्या है, चलो खोद कर देखते हैं। ठीक है श्रीधर। इतना कहकर दोनों खुदाई करने लगे। कुछ देर बाद कुछ बर्तन दिखाई दिए। उन्होंने खोल कर देखा तो किसी में सोना और किसी में रुपए थे। तब साई ने कहा, श्रीधर, इस दिन से हमारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। हाँ साई, इस सोने और पैसे से हम अपना सारा कर्ज चुका देंगे। जो खजाना उन्हें मिला उसे दोनों ने बराबर बराबर बांट लिया। अपने मवेशियों को बेचकर एक अच्छा घर और कार ले ली। साथ ही वो लोगों को पैसा ब्याज के रूप में देते और उसके बाद खुशी से रहने लगे।